चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे पूर्व सांसद गोपाल सिंह गिडवा जी, आप सबके लोकप्रिय विधायक, हमारी सरकार में मंत्री उदय लांजना साहब, प्रकाश चौधरी जी, ब्लॉक अध्यक्ष महोदय, सभी पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण, आज की सभा में मौजूद माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बुजुर्गण, प्यारे बच्चों, मुझे याद है जैसा आंजना जी ने बताया, विधानसभा चुनावों में ठीक इसी जगह मैं आपके बीच हाजिर हुआ था आप लोगों से वोट मांगने के लिए। और मुझे खुशी है जिस शख्स के लिए हमने वोट मांगा उनको आपने पूरा आशीर्वाद दिया, और मैं इस मौके पर धन्यवाद करना चाहता हूं राहुल गांधी जी का, जिन्होंने आज उदय लांजना जी को राजस्थान की कैबिनेट में एक वरिष्ठ मंत्री बनाकर हमारे बीच रखा। साथियों, चित्तौड़ लोकसभा क्षेत्र में सबकी नजर लगी हुई है, कल प्रधानमंत्री जी भी आए थे, परसों आए थे, और मैंने कुछ उनका भाषण का अंश सुना। मुझे लगा प्रधानमंत्री जी बोल तो रहे हैं, अगर उस भाषण में से जगह और तारीख बदल दो तो पता ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का वही टेप बार बार चल रहा है 5 साल से, वही बात करनी है, वही भाषण देना है, वही कांग्रेस को कोसना है, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को भला बुरा कहना है। लेकिन आज लोकसभा का जो चुनाव हम लड़ रहे हैं, बहुत सोच समझकर कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, हम सब ने मिलकर गोपाल सिंह जो यहाँ आपके बीच आपका आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है, आपके भरोसे पर भेजा है, चित्तौड़ के सभी साथियों से, मतदाताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि ये चुनाव सिर्फ जिले का नहीं है, ये चुनाव सिर्फ राजस्थान का नहीं है, ये पूरे देश भर में एक नई सरकार बनने जा रही है। 5 साल पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, बीजेपी की पार्टी को, लोगों ने पूरा विश्वास देकर आशीर्वाद दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी। 30 साल के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बनी। उस सरकार के बनने के बाद 5 साल आपने भी देखे, मैंने भी देखे, किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात करते थे, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात करी, लाखों करोड़ रुपए जो बाहर कहते हैं काला धन है वो वापस लेकर आएंगे और प्रत्येक खाते में जमा होगा 15 लाख रुपए। स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ इंडिया, भारत की नदियों को जोड़ देंगे, आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद खत्म कर देंगे, महंगाई को समाप्त कर देंगे, काला धन समाप्त कर देंगे। 5 साल की रिपोर्ट कार्ड अगर चित्तौड़ में खड़े होके प्रधानमंत्री जी बोलते, मैंने इतने रोजगार पैदा किए हैं, इतने उद्योग लगाए हैं, चित्तौड़ में, राजस्थान में इतने हवाई अड्डे बने, इतने अस्पताल बने, इतनी यूनिवर्सिटी बनी, मैं मानता कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल किसी काम का था। 5 साल वसुंधरा जी की सरकार रही, जो छीना झपट्टी और गुंडागर्दी इस शहर जिले में हुई, जिसका आंजना जी ने जिक्र किया, उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार थे? अगर प्रधानमंत्री जी की और वसुंधरा जी की नहीं बनती, उसका नुकसान राजस्थान के 7 करोड़ लोगों ने क्यों उठाया? आपके पास पूरी ताकत थी, पूरे साधन थे, हम विपक्ष में बैठे थे, राजस्थान को अग्रसर करने के लिए, राजस्थान में निवेश लाने के लिए, माताओं बहनों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। आपने क्या किया? आपने नोटबंदी कर दी, आपने देश में ऐसा माहौल बना दिया कि आज भाजपा के विरोध में बोलने वाले लोगों की जबान खत्म करने का काम किया, दबोचने का काम किया। भाजपा का विरोध करना मतलब देश का विरोध करना। अगर मैं कल पूछूं प्रधानमंत्री जी से कि हिंदुस्तान में इतनी बेरोजगारी नहीं जितनी 45 साल में नहीं थी, इतनी आज है, ये क्यों है बेरोजगारी, तो कहते हैं आप राष्ट्र विरोधी हो। हम कहते हैं किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है देश में, कहते हैं आप देशद्रोही हो। हम कहते हैं गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का क्यों बिक रहा है, तो कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। ये तो भाषण है। अरे जवाब तो 5 साल आपने सरकार चलाई, आज भी आप मनमोहन सिंह जी को, सोनिया गांधी जी को कोस रहे हो। आप बाजार में कुछ सामान लेने चले जाओ,
फल फूल तेल सब्जी चीनी शक्कर चाय पत्ती साबुन कुछ भी ले लो, पहले से दुगने दाम में बिक रहा है। खाद बीज बिजली पानी की कीमत बढ़ गई देश में, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, भाजपा के लोग भाषण देते हैं। अब यूपी के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ, वो कहते हैं अली और बजरंग बली, ये तो भाषण है मुख्यमंत्री। अरे आप स्कूल की अस्पताल की सड़क की खेत की पानी की नौजवानों की रोजगार की बात करो, मैं सुनने को तैयार हूं। लेकिन ये हिंदू मुसलमान की बात करना, मंदिर मस्जिद की बात करना, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करना, ये कहां तक? एक निर्वाचित सरकार किस लिए बनती है? सरकार बनती है जनता का कल्याण करने के लिए। हमारी सड़क पर जंगल में बर्फ में रेगिस्तान में जो नौजवान खड़े हैं फौज के वर्दी पहनकर, उनका शौर्य और पराक्रम वो किसी सरकार की देन नहीं है। हमारी फौज हमारे सैनिक हमारे मान सम्मान का प्रतीक है, उनका हम सदैव इज्जत करते रहेंगे। और इस देश के ऊपर किसी ने भी अगर आंख टेढ़ी कर देखा, उसको वही जवाब मिलेगा जो मिलना चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो, सरकार किसी की हो। अरे पार्टियां बनती हैं बिगड़ जाती हैं, सरकारें बनती हैं बिगड़ जाती हैं, लेकिन ये देश रहना चाहिए। लेकिन आप विपक्ष की आवाज को दबाकर मोदी जी को सवाल पूछ ले तो सीबीआई का छापा पड़ जाएगा, इनकम टैक्स की रेड पड़ जाएगी, ईडी का नोटिस मिल जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो सब इतने दूध के धुले हैं। अगर कोई विपक्ष का नेता भाजपा से सवाल पूछ ले तो भाजपा कहती है आरोपी है भ्रष्ट है, और जैसे ही वो पाला बदल ले तो भाजपा के साथ ही गंगा जल छिड़क के उसको बिल्कुल शुद्ध कर देते हैं। ये भी कमाल है, ये भी कमाल है कि पूरे देश में भाजपा का कोई नेता छोटा बड़ा आज तक उस पर कोई छापा नहीं, कोई रेड नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं, और जैसी भाजपा पे उंगली उठा दी तो पूरा तेल पानी लेकर चढ़ जाते हैं। बदनाम करो, सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग करो, विपक्ष की आवाज को दबा दो, कुचल दो। अरे लोकतंत्र रहेगा, वोट की कीमत रहेगी तो देश मजबूत रहेगा। हमारे गणतंत्र में हमको आशीर्वाद दिया हमारे पूर्वजों ने, ये संविधान बनाया। इस संविधान की सबसे बड़ी बात क्या है साथियों, कि हम सब लोग एक एक वोट के मालिक हैं। मुकेश अंबानी भी एक वोट के मालिक हैं, राष्ट्रपति भी एक वोट के मालिक हैं, नरेंद्र मोदी जी भी एक वोट के मालिक हैं, आप और मैं भी एक एक वोट के मालिक हैं। जिसका बटन दब गया उसकी लॉटरी निकलेगी, और जिसने जनता से धोखा किया उसको फिर साइड हटना पड़ता है, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो। इस देश में घमंड और अहंकार से जिसने राज किया है उसको जनता ने कभी माफ नहीं किया। हम लोगों की सरकार बने 3 महीने हुए, आजरा साहब बता रहे थे प्रदेश में किसानों की मदद करने के लिए जो निर्देश राहुल गांधी जी ने दिया, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में राजस्थान में किसानों का कर्जा माफ करना है। 18,000 करोड़ रुपए का कर्जे माफ की घोषणा हमारी सरकार कर चुकी है। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे सहकारिता मंत्री जी को, इनके विभाग के माध्यम से लाखों लाख किसानों के चेहरे पर मुस्कान आई है। अब ये टेप थोड़ा बंद हो, ये लाल गाल बाल ये सब बात की बात है, अभी हमारा है गोपाल सिंह जी को जिताओ, उसके बाद बात करें। लेकिन एक बात है, वो पूरा गाना तो मैं नहीं गा सकता हूँ, देखो याद पूरा है रिमांडा जी, लेकिन मैं गाऊंगा नहीं। लेकिन एक बात है, मेवाड़ में कोई मर्द जिसको आज एमएलए मंत्री बनने का मौका मिला है वो आजना जी है, और आप सब बड़े खुशकिस्मत हो कि आपको कैसे व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त है जिसको आपने बार बार सेवा का मौका दिया है। आज हम सब लोग मिलकर संघर्ष किस बात का कर रहे हैं, बात सच है। गोपाल सिंह जी हम सबके नजदीकी है, इनको संसद में हम सब भेजना चाहते हैं। लेकिन ये चुनाव गोपाल सिंह शेखावत संसद में पहुंच जाए या कांग्रेस का शासन बन जाए, इस बात का चुनाव नहीं है। समझो इस बात को, चुनाव तो हर 5 साल में आता है लेकिन ये चुनाव निर्णायक है। इस देश में जमहूरियत और लोकतंत्र को गणतंत्र को जो चुनौती दे रहे हैं उनको जवाब देने में सिर्फ आप लोग सक्षम हो। आपका वोट ही देश और प्रदेश का भविष्य का निर्णय करेगा। जिसका बटन आप दबाओगे सोच समझ कर करना,
मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। मोदी जी ने 5 साल में एल के अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, शांता कुमार जी, यशवंत सिन्हा जी, शत्रुघ्न सिन्हा, जितने नेताओं ने भाजपा को जन्म पैदा कर कर यहां तक पहुंचाया, उन सबको जोर से मार के कोनी पटक दिया साइड में। जो अपनों के नहीं हो सकते वो भीमबाड़ा चित्तौड़ के कैसे हो सकते हैं? उन लोगों पे भरोसा करो जो आपके दुख दर्द के साथी हैं। हम आपसे वोट मांगने आए 36 कौम के लोगों से कहना चाहता हूं, आज गोपाल सिंह शेखावत साहब 5 साल तक हमारे साथ पार्टी में संघर्ष किया, मेरे से उम्र में बड़े हैं, लेकिन जब भी कांग्रेस के नाम पर सरकार से जवाब मांगना था, सड़कों पे, विधानसभा के बाहर धरने देने में, प्रदर्शन करने में, भूख हड़ताल करने में, कंधे से कंधा मिलाकर गोपाल सिंह ने और आमने सामने हमारी मदद करी है। और आज जो सरकार बनी है ये आप सब लोगों के आशीर्वाद से और हमारे लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहाकर आज आपको संबल देने का काम किया, आपको ताकत देने का काम किया है। आज मैं आपसे वोट मांगने के लिए आया हूं। गोपाल सिंह शेखावत जी का वोट देकर भेजोगे तो राजस्थान की सरकार की पूरी ताकत चित्तौड़ में लगेगी, आप लोगों के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे हम लोग। आज चुनाव का समय है, मैं ज्यादा वादे आश्वासन देना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप लोगों ने यहां से पिछली बार विधानसभा जिताकर भेजा, चित्तौड़ से कांग्रेस के सांसद बनेंगे, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। और मैं भी आज, राहुल गांधी जी आए थे आज बागड़ में, बानेश्वर धाम के दर्शन किए, सभा को संबोधित किया, लेकिन मैं वो सारा काम छोड़कर आज विशेष रूप से आपके बीच में आया हूँ, गोपाल सिंह जी के लिए वोट मांगने के लिए आया हूँ। आप इनको जिताकर भेजोगे, मेरे हाथ मजबूत होंगे, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत होंगे और कांग्रेस के हाथ मजबूत होंगे। इसलिए सारी बात छोड़कर जो 1,10,000 वोट मिले थे आंजना जी को, तो आंकड़ा भी याद है, तो शगुन का काम करो, 1,11 कर दो, 1,11,000 पड़ेंगे, अच्छा शगुन जाएगा, पर अच्छा गोपाल जी, इतना वोट आप देकर जिताओगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान में पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी हमारी सरकार आपके हर अरमान को पूरा करने का काम करेंगे। और हम लोग सच्चे लोग हैं, हम नहीं बोलना चाहते हर खाते में 20 लाख आ जाएगा, 25 लाख आ जाएगा, 50 लाख आ जाएगा, लेकिन राहुल गांधी ने कहा है कि न्यूनतम आय योजना लागू करेंगे। इस देश में सबसे गरीब जो परिवार है, उस 20% गरीब परिवारों के जो गृहिणी है, महिला है, उसके खाते में प्रतिवर्ष 72,000 रुपए हमारी पार्टी देगी जीतने के बाद। मोदी जी का 15 लाख तो नहीं आया, आ गया, जो मना नहीं करे मतलब आ गया उसको, जो मना नहीं कर रहा मतलब खाते में आ गया उसको, वो 15 आ जाए ना कल, लेकिन 23 मई को परिणाम आएंगे, देश में नए प्रधानमंत्री होंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद पहला काम ये होगा कि वो 72,000 रुपए प्रत्येक गरीब परिवार के खाते में हम लोग डलवाएंगे। ये वादा हमारी पार्टी का काम करके जा रहे हैं आपके बीच में। पहले आया बहुत जोश आप लोगों में था, उदयलाल जी को आपने चुनाव जिता दिया, आज बोल रहे थे लोकसभा का चुनाव है, हो सकता है थोड़ा बहुत जोश कम, मैंने कहा जोश हो या ना हो मुझे तो 1,11,000 गिनती बता देना आप 29 तारीख को। एक एक व्यक्ति से निवेदन कर रहा हूँ, ये हाथ का निशान हमारी पहचान है, इस कांग्रेस पार्टी का बटन दबाकर गोपाल सिंह शेखावत जी को जिताकर दिल्ली भेजो, आपकी वकालत करेंगे और दिल्ली और जयपुर में आप लोगों की सुनवाई होगी। और जिस सहकारिता की बात आज के आंजना जी ने करी बिल्कुल सही है, जितना ज्यादा आप जुड़ोगे, अब तो आपके व्यक्ति को मंत्री बनाया है कांग्रेस पार्टी ने, सहकारिता विभाग से जुड़कर आप लोग अपना और व्यापक तरीके से इसका लाभ लो ताकि पूरी सरकार आपकी खिदमत कर सके। हम लोग आपके बीच में पहले भी थे, आज भी हैं, और क्योंकि मैं पिछली बार बोलकर गया था आप लोग जिताओगे तो मैं आपके बीच में आऊंगा, और मुझे लगता है ये अपना सिस्टम ठीक है, मैं आज फिर बोल के जा रहा हूँ, आप गोपाल जी को जिताओ और फिर यही मीटिंग करेंगे, धूमधाम से करेंगे और 4 गुना बड़ी मीटिंग करेंगे, और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ आपका आशीर्वाद बना रहे तो अगले 4.5-5 साल सरकार हमारी है। जैसा काम आप चाहोगे, जो काम आप बता दोगे, हमारी कलम उसी पर चल जाएगी, आप लोगों को कभी नीचा नहीं देखना पड़ेगा। आप लोग खुश रहो, मुस्कुराते रहो, परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये प्यार, प्रेम, भाईचारा, मोहब्बत बना रहे, 36 कौम के लोग, चारों धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, तभी अमन चैन होगा, तभी निवेश होगा, रोजगार मिलेगा,
उस शांति को तोड़ने वाली जो ताकतें हैं उनको हराना पड़ेगा। और हाथ के निशान पर बटन दबाकर गोपाल सिंह को जिताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम सर। एक मिनट पायलट साहब, अनुरोध है मेरा, निम्बाड़ा के युवा और आईटी सेल के कार्यकर्ता आदरणीय पायलट साहब को प्रतीक चिन्ह तलवार भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन करना चाहते हैं। मेरा उनसे अनुरोध है शीघ्र पधारे युवा। अभी पायलट साहब ने कहा ये नारा पुराना हो गया है, लालो में लाल भैया उदय लाल वाला, अब तो गोपाल लाल है। तो गोपाल लाल वाला नारा जम नहीं रहा है, इसलिए मैं ये कहता हूं कि भाई सिंहों में सिंह है, गोपाल सिंह है। आप सभी कार्यकर्ता यहाँ पधारे और इस सभा को सफल बनाया।